प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आप सबका इस चैनल में स्वागत करता हूं। मैं पास्टर डेविड दाकुरी फ्रॉम विजयवाड़ा से प्रभु के वचन को आपके सम्मुख में लेकर आ रहा हूं। हम वचन सुनने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम शुरुआत करेंगे। परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं। प्रभु अभी तक आप हमारे साथ रहे, हमें अभी तक सुरक्षित रखा, अभी तक आपने संभाला हमें। प्रभु आपने हर विषय में, प्रभु आपने हमारी सुधि ली, इसके लिए धन्यवाद। फिर एक बार प्रभु आपके वचन को हम लोग सुनने के लिए तैयार है। आप हमसे बातचीत कीजिए, हमारे प्रभु हृदय के अंदर में प्रभु आपका वचन काम करे, इसी रीति से आप हमारे सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने लोग प्रभु आपके वचन को सुन रहे, सुनते सुनते उनके जीवन में उनकी आत्मिक उन्नति होने के लिए आप सहायता करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद करता हूं कि आप प्रभु के वचन को बड़े आसक्ति से आप सुन रहे हैं। मैं आज एक नए अंश को मैं आपके सामने में लेकर आया हूं। वो ये है कि प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय उसका 11 वचन में इस रीति से लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय उसका 11 वचन में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ मेरे पास है उसे थामे रहे, माफ कीजिए, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय 11 वचन, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रभु का वचन कहता है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे तू क्या कर, तू थामे रहे ताकि तेरा मुकुट कोई छीन ना ले। और एक वचन में पढ़ता हूं, उसी प्रकाशित वाक्य उसके दूसरा अध्याय उसके 25 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। प्रभु का वचन कहता है कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे तुम थामे रहो ताकि तुम्हारा मुकुट कोई चुरा ना ले। अब यहां कहता है, देखो मैं आने वाला हूं, जब तक मैं ना आऊं, यानी जब तक मेरे आने तक जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रखो। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हमें थामे रखना है। कब तक थामे रखना है? प्रभु यीशु मसीह के उसके आगमन तक हमें उसको थामे रखना है। हमने पहले वचन में पढ़ा कि जो कुछ, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे तू, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि तेरा मुकुट कोई छीन ना ले। इस विषय के विषय में हम बात करेंगे कि जो कुछ तेरे पास है उसे तू थामे रहे कि ताकि तेरा मुकुट कोई छीन ना ले। यानी हमें अगर हमारे को हमें जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है अगर उसे में हम थामे नहीं रहेंगे तो वो हमारे पास से चोरी होने के आसार बहुत ज्यादा है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे मुकुट को छीन सकता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ तेरे पास है उसको तू थामे रहे। कब तक थामे रहे? जब तक मैं ना आऊं, मेरे आगमन तक तू उसको थामे रहे। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि एक स्त्री के पास 10 चांदी के सिक्के थे, 10 में से एक सिक्का खो गया। वो तब तक ढूंढती रही जब तक वो उसे मिलता नहीं। प्रिय भाई बहनों, 10 सिक्के उस स्त्री के पास थे, उनमें से एक उसने खो दिया। प्रिय भाई बहनों, अगर हम संस्कृति में अगर हम जाएंगे तो पाकिस्तान का ये संस्कृति है कि अगर किसी की मंगनी होती है तो जो व्यक्ति मंगनी के लिए आता है वो दूल्हा अपने होने वाली पत्नी को 10 चांदी के सिक्के देता है। और वो चांदी के सिक्के ऐसे होते हैं कि उसमें एक अलग सा मोहर लगा होता है। जब तक कि शादी नहीं होती, विवाह नहीं होता, तब तक स्त्री को उस चांदी के सिक्कों को थामे रखना है। अगर उनमें से एक भी गुम हो जाता है इसका मतलब ये है कि ये स्त्री जो है ये सीरियस नहीं है, ये चंचल मन वाली है। और वो जो जिसने मंगनी किया वो शादी नहीं करेगा, उतना ही नहीं कोई भी उस स्त्री से शादी नहीं करेगा। यानी जो कुछ उसको दिया गया है उसे उसको थाम के रखना है। प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर ने आपको 10 चांदी के सिक्के दिया है तो आपका ये काम है कि आप उसको थामे रखें। अगर परमेश्वर ने आपको 10 आज्ञाएं दी है, जिस आज्ञाओं का अनुकरण आप बहुत अच्छे से करते हो तो आप उसको थामे रखिएगा। अगर परमेश्वर ने एक अच्छा प्रभु का दास, एक अच्छा सेवक प्रभु ने अगर आपको दिया है
तो उस सेवक को तुम थामे रखना है, उस सेवक को तुम्हें पकड़े रखना है। अगर कोई ऐसा सेवक है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते, जो तुम्हारे लिए दुआ करता है, वैसे सेवक के पास बाहर हमें पकड़ कर रखना है, हमें थामे रखना है, हमें उनसे, हमें अपने जीवन में उनको खोना नहीं है। हाँ प्रिय भाई बहनों, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दासों को खो दिया। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो साउल, जो शाउल है, उसने अपने सेवक यानी अपना जो अगुआ था शमूएल को उसने खो दिया। जब परमेश्वर के वचन का खिलाफ उसने किया, वचन के खिलाफ जब वो गया, तब बाइबल कहती है कि शमूएल ने उससे किसी भी रीति से बातचीत नहीं की। इसका मतलब ये है कई लोग अपने पासवानों को भी खो सकते हैं। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम खो सकते हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिया उसको शैतान लूट सकता है। इसलिए हमें क्या करना है कि उसे हमें थामे रखना है। कब तक थामे रखना है? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक उसको थामे रखना है। प्रिय भाई बहनों, क्या आपने उद्धार पाया हुआ है? क्या प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अगर आप धोए गए हैं, क्या प्रभु का वचन को आप जानते हैं, क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको हुआ है, तो आपने उस उद्धार को थामे रखना है। आपने उस पवित्र आत्मा के गुणों को, वरदानों को थामे रखना है। आपने उस पवित्रता को, जिस पवित्रता ने प्रभु यीशु मसीह के लहू से आपको धोकर आपको पवित्र बनाया, उस पवित्रता को आपको थामे रखना है। जो परमेश्वर ने आपको अपना बेटा बनाया, उस बेटा बनने के बाद उस पिता और अपने बेटे के बीच में जो संबंध है उसको हमें थामे रखना है, हमें उसे खोना नहीं है। प्रिय भाई बहनों, जो कुछ भी परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसको तुम्हें थामे रखना है। कब तक? जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता तब तक हमें इसे थामे रखना है। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में कुछ एक व्यक्ति को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। वो व्यक्ति ने जो कुछ उसके पास था उसने उसको किस रीति से थाम कर रखा, अपने प्राणों को दे दिया, लेकिन जो कुछ उसके पास था उसने जाने नहीं दिया, उसने छोड़ा नहीं। प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से कहता हूं, क्या परमेश्वर ने आपको 10 चांदी के सिक्के दिया उसको आपको थाम के रखना है? परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है उसको आपको थाम के रखना है? जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, एक अच्छा प्रभु का दास, एक अच्छी कलीसिया, अच्छी संगति करने वाले लोग, आपके लिए दुआ करने वाले लोग, आपके लिए प्रार्थना करने वाले लोग, आपके बारे में चिंता करने वाले लोगों को अगर परमेश्वर ने आपको दिया है, उन सबको आपको थामे रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा मुकुट कोई चुरा ना ले, इसलिए तुम उसे थामे रहो। अगर दूसरे ट्रांसलेशन में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि उसे जोर से पकड़े रहो ताकि वो तुम्हारे हाथ से छूट ना जाए। इसलिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हमें जोर से पकड़ के रखना है ताकि वो हमारे हाथ से कोई छूट ना जाए। एक व्यक्ति को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। ये व्यक्ति का नाम है नाबोत। ये व्यक्ति के पास एक खेत है। मैं आपको वचन पढ़ना चाहता हूं। पहला राजा की किताब, राजा की पहली किताब हम देखेंगे, राजा की पहली किताब उसका 21वां अध्याय, उसका एक वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला राजा की पहली किताब उसका 21वां अध्याय 1 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। नाबोत नामक एक इजरायली की एक दाख की बारी शमरोन के राजा आहाब के राजमंदिर के पास इज़रेल में थी। इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरे दाखी की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें सागपात की बारी लगाऊं और मैं उसके बदले उस एक वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं उसे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखों का निज भाग तुझे दूं। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर एक व्यक्ति को हम देख रहे हैं। ये साधारण सा व्यक्ति है नाबोत। ये एक साधारण सा व्यक्ति है, ये इजरायली का एक साधारण व्यक्ति है। वहां पर एक राजा है, वो राजा आहाब राजा के राजमंदिर को लगकर इस नाबोत का एक दाख की बारी है। तो ये राजा का जो राजमंदिर है उस राजमंदिर को लगकर ये नाबोत के पास एक दाख की बारी थी। तो ये राजा ने कहा कि नाबोत तुम एक काम करो, तुम्हारी जो दाख की बारी है वो मेरे राजमंदिर में सटी हुई लगकर है, इसलिए तुम वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें दूसरी दाख की बारी या फिर दूसरी में वाटिका तुम्हें दूंगा, नहीं तो तुम मुझे वो बेच दो,
उसका जितना भी मूल्य रहेगा, जितना भी अमाउंट रहेगा, मैं वो अमाउंट आपको दे दूंगा। लेकिन नाबोत क्या कहता है देखिए, तीसरे वचन में, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखों का निज भाग तुझे दूं। देखिए इसका शब्द का आप ध्यान दीजिएगा, वो क्या कह रहा है कि मेरे पुरखों का निज भाग मैं तुझे नहीं दूंगा, निश्चय ही मैं ये जमीन, निश्चय ही ये जो दाल की बारी है, मैं तुझे नहीं दूंगा। क्यों नाबोद ने राजा से इतना हिम्मत कर कहा कि मैं दाख की बारी नहीं दूंगा? मांगने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, मांगने वाला एक व्यापारी नहीं था, मांगने वाला एक राजा था। वो चाहे तो जबरन उसको छीन सकता है, वो चाहे तो इसको मारकर वो अपना दाख की बारी को अपना बना सकता है। वो राजा के विरुद्ध में खड़ा होकर राजा को सवाल करने लगा कि मैं ये दाख की बारी नहीं दूंगा। क्यों नाबोद ने ये बात कही? हम बाइबल में देखेंगे कि क्यों नाबोद ने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। उसने क्या शब्द का इस्तेमाल किया कि यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखों का निज भाग मैं तुझे दूं, नौ मैं पुरखों का निज भाग मैं तुझे नहीं दूंगा। क्यों ये शब्द का इस्तेमाल किया? गिनती की किताब उसका 36वां अध्याय 7वें वचन में हम पढ़ते हैं। देखिए गिनती की किताब 36वां अध्याय 7वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसराइलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में ना मिलने पाए। इसराइली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहे, अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर वो बने रहे, ऐसा शब्द लिखा हुआ है। अगर हम दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, यदि हम तेलुगु में पढ़ते हैं, तो वहां पे ऐसा लिखा है कि उसके भाग को वो थामे रखना है, उसको पकड़ के रखना है, क्योंकि वो जो भाग है, ये जो भाग है, ये अपने मूल पुरुष गोत्रों के द्वारा मिला हुआ है, इसलिए उसे तुम्हें क्या करना है, पकड़ कर रखना है। ये नाबोत परमेश्वर के वचन को जानता था, नाबोत को ये चीज पता चल चुकी थी कि देखो ये जो भाग है, ये परमेश्वर ने मेरे निज पुरुषों को, यदि मूल पुरुषों को ये दी गया वाला भाग है, और परमेश्वर ने ये कहा कि ये भाग दूसरे भाग में ना मिलना है, और ये भाग को तुम्हें क्या करना है, जम के पकड़ कर थामे रखना है। और एक वचन देखिए, लेवी व्यवस्था उसका 25वां अध्याय उसका 23 वचन भी मैं पढ़ता हूँ। लेवी व्यवस्था उसका 25वां अध्याय 23 वचन में क्या लिखा हुआ है, भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, दो ऑफर उसने दिया राजा ने, एक तो वो आप दाख के बारे मुझे दे दो, उसके बदले में दूसरा तुम्हें बगीचा दे दूंगा। लेकिन इसने वो देने के लिए इनकार किया, क्योंकि प्रभु का वचन ने साफ लिखा हुआ है कि अपना भाग को अपने जो पितरों के द्वारा, मूल पुरुषों के द्वारा आया है, उसे थामे रखना है। इसलिए पहले शर्त को उसने इनकार किया। दूसरा उसने ऑफर ये दिया था कि तुम उसे बेच दो तो मैं तुमको हिस्सा दूंगा, लेकिन बाइबल के लिए बेचे ना जाए, भूमि मेरी है, बेचने के लिए भी परमेश्वर ने मना किया। यानी परमेश्वर के वचन के खिलाफ नाबोत जाने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं था। परमेश्वर के वचन को नाबोत जानता था, इसलिए परमेश्वर को दुख पहुंचाने वाला कोई भी काम मैं नहीं करना चाहिए, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसे मुझे थाम कर रखना है, सोचकर उसने उसको थाम के रखा। लेकिन उसने उस राजा को देने के लिए बिल्कुल उसने स्वीकार नहीं किया। प्रिय भाई बहनों देखिए, नाबोद ने परमेश्वर के वचन पे खिलाफ जाने से वो इनकार किया। उसे पता है वो जिसके साथ भिड़ा हुआ है वो राजा है, वो चाहे तो इसको कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसने अपने प्राणों की भी परवाह ना करते हुए, अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए परमेश्वर के वचन का पालन करना ही श्रेष्ठ समझा। प्रिय भाई बहनों मैं आपसे पूछता हूं, जो परमेश्वर ने आपको परिशुद्धता दी, जो परमेश्वर ने आपको पवित्रता दी, जो परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया, जो परमेश्वर ने आपको अपने खून से धोकर शुद्ध किया, क्या आप उस शुद्धता में बने हैं? क्या आप उस पवित्रता में बने हैं? क्या आप उस चेले के जीवन में बने हैं? क्या आप परमेश्वर के बेटे बन के आप जी रहे हैं, या फिर आपने कहीं ना कहीं उस पवित्रता को खो दिया है? कहीं ना कहीं शैतान के बातों को, शैतान के ऑफर को आपने स्वीकार करके क्या उसे आपने खो दिया? प्रिय भाई बहनों बाइबल कहती है कि यहूदा इस्करियोत को उस शैतान ने चांदी के सिक्के दिया, और उसने अपने जो प्रेरित होने का अधिकार था उसने शैतान को सौंप दिया। एसाव को एक
डाल देकर उसने उसके ज्येष्ठत्व को उसने छीन लिया। वो कुछ ना कुछ शैतान कुछ ना कुछ हमें देगा और कुछ ना कुछ हमारे पास से वो लेने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें पाप देगा और आपके पवित्रता को छीनने की कोशिश करेगा। वो कोई और दूसरी चीजों में आपको लुभाने की ऐसी कोई चीज आपको देगा जहां पर आप गिर जाए, जहां पे प्रभु के वचन से अलग हो जाए, जहां पे चर्च से दूर हो जाए, जहां पे प्रभु के सेवकों से आप दूर हो जाए, जहां से आप प्रार्थना से दूर हो, ऐसी कोई ना कोई चीजों को आपके सामने वो रखेगा ताकि आप उनमें लुप्त हो जाए और आप परमेश्वर से दूर हो जाए। कोई ना कोई ऐसी लालच शैतान हमें देगा ताकि हम भी उस नाबोत को जिस रीति से उसने ऑफर दिया हमें भी ऑफर देगा। क्यों 3 घंटे प्रार्थना करता है? 10 मिनट की प्रार्थना काफी है? क्या प्रभु सुनेगा नहीं? 1 घंटा प्रार्थना करने की जरूरत है? 10 मिनट का वचन पढ़ने से काफी है? 1 घंटा बाइबल पढ़ने से ही क्या प्रभु सुनता है या बात करता है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातों को, अगर उपवास की प्रार्थना हम करना चाहते उस टाइम शैतान कोई ना कोई हमको लालच को लेकर आएगा और हमारे उपवास को भंग करने की कोशिश करेगा। जब हम प्रभु के लिए हम उसके क्रूस को उठा के चलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, कोई ना कोई पाप में हमें गिराने की वो कोशिश करेगा। प्रिय भाई बहनों, कोई ना कोई ऑफर हमें देकर उसके परिशुद्धता, उसके पवित्रता से, उसके शुद्धता से, उसके बेटे होने के जीवन से वो हमें दूर करने की कोशिश करेगा। प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है तुम जिसका जिसकी बातों को तुम सुनते हो तुम उसके संतान हो। अगर हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं हम परमेश्वर की संतान है। अगर हम शैतान की बातों को सुनकर उस रीति से करते तो हम शैतान की संतान है। इसलिए प्रभु के वचन में हम स्पष्टता से देखते हैं कि नाबोद ने साफ इनकार कर दिया। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, ये नाबोद ने क्यों करके ये चीजों को इनकार किया, मैं आपके सामने कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नाबोत के पास क्या था? नाबोत के पास एक दाख की बारी थी। ये दाख की बारी क्या काम करती है? अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं दाख की बारी से तेल तैयार होता है। दाख की बारी तेल को भी उत्पन्न करती है। सब लोग दाखरसी सोचते, दाखरसी नहीं, तेल भी तैयार होता है। तो ये जो तेल है ये परमेश्वर को प्रसन्नता से या फिर ये तेल जो है ये परमेश्वर को, परमेश्वर के जीवन को या फिर परमेश्वर को खुश करने वाला ये तेल है जिसका इस्तेमाल नाबोत करता है। प्रिय भाई, परमेश्वर को संतुष्ट करने वाले जो भी गुण आपके पास है वो आपके दाख की बारी है। आप ज्यादा प्रार्थना करते होंगे प्रभु आपसे प्रसन्न होता होगा, वो आपकी दाख की बारी है। आप प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं प्रभु खुश होता है, वो आपके लिए दाख की बारी है। आप प्रभु के क्रूस को उठाकर तुम चलते हो वो आपके लिए दाख की बारी है। आप प्रभु के सेवक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हो वो दाख की बारी है। ये इस दाख की बारी को शैतान छीनना चाहता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रहे ताकि तुम्हारा मुकुट कोई छीन ना ले। छीनने के लिए शैतान तैयार है। आपके पास कौन सी ऐसी चीज है जिसके द्वारा परमेश्वर खुश होता है? क्या आप उदारता से प्रभु को देते हो? प्रभु उसमें खुश होता है? क्या आप प्रभु की सेवकाई में सबसे आगे होते हो? प्रभु खुश होता है, वो आपके लिए दाख की बारी है। आप हर सबसे पहले आप जाके चर्च में प्रभु के लिए काम करते वो दाख की बारी है। जिस जो भी गुण के द्वारा, जो भी कार्य के द्वारा परमेश्वर तुमसे खुश होता है वो सब दाख की बारी है। प्रिय भाई बहनों, नाबोद ने कहा कि मैं ये दाख की बारी तुम्हें नहीं दूंगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों, क्या हमारे पास जो दाख की बारी जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिसके द्वारा परमेश्वर खुश होता है, क्या ऐसी दाख की बारी को क्या हम उस राजा को, आहाब राजा को, जैसा कि वो बेचने के लिए मना किया, क्या हम बेच रहे हैं? क्या हम शैतान को सौंप रहे हैं? हम प्रार्थना करते तो प्रभु खुश होता है, क्या वो समय को हम शैतान को दे रहे हैं? हम प्रभु के वचन को प्रचार करते तो प्रभु खुश होता है, क्या हम प्रभु के वचन को प्रचार करना छोड़कर गॉसिप्स कर रहे हैं? क्या हम प्रभु की क्रूस को उठा के पवित्रता में चलना प्रभु को कुछ अच्छा लगता है, लेकिन आज हम पवित्रता को छोड़कर अश्लील बातें करते हैं? कौन सी चीजों में हमने अपनी दाख की बारी को खोया है? प्रिय भाई बहनों, बाइबल में अगर हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है वो जो राजा है वो क्रूर राजा, दो एक झूठे गवाहों को खड़ा कर वो परमेश्वर की इसने निंदा की, राजा की इसने निंदा की करके बोलकर उसको पथराव करके उसको नाबोत को वो मरवा डालता है। प्रिय भाई बहनों, वो मरने के लिए तैयार हुआ
लेकिन अपनी दाखी की गभारी को बेचने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। प्रिय भाई बहनों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य, मरने के लिए तैयार रहो, लेकिन प्रभु के जो प्रसन्नता करने, प्रभु को खुश करने वाले के जो गुण प्रभु ने आपको दिया है, उसे शैतान के हाथों में मत सोचो। मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, नाबोध मरने के लिए तैयार हुआ। इसलिए बाइबल में लिखा है, तीमुथी की किताब, उसकी पहली किताब देखेंगे हम, वो वचन को भी पढ़ेंगे। तीमुथी नाम के पौलुस प्रेरित की पहली किताब, सॉरी दूसरी किताब, उसका तीसरा अध्याय, उसका 12 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते वे सब सताए जाएंगे। अगर तुम भक्ति से जीना चाहते हो, तुम सताए जाओगे। नाबोध परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाना नहीं चाहता था, वो सताया गया, इतना सताया गया प्रभु के लिए वो मारा भी गया। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार, देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसके 10 वचन में हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 10 वचन, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रिय भाई बहनों, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। क्या आप सताए जाते हैं? क्या आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो लोग आपको ताने मारते हैं? क्या आप प्रभु का वचन प्रचार करते हैं, लोग आपको ताने मारते हैं? कोई बात नहीं, प्रभु का लिए सताया जाना धन्य की बात है, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। हमने इसके पहले भी पढ़ा कि जो कुछ भी भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते वे सताए जाएंगे। अगर तुम परमेश्वर को प्रसन्न करने की जिंदगी जीना चाहोगे, सताए जाओगे। तो परमेश्वर को खुश करने वाली जिंदगी जीना चाहोगे, तुम शैतान का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम्हें पवित्रता से जीना पड़ेगा, तुम्हारे अपने उद्धार को संभाल कर रखना है, तो तुम्हें अपने उस शैतान के साथ तुमको लड़ना पड़ेगा। वो तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें ऑफर देगा, तुम्हारे पवित्रता को छीनने की कोशिश करेगा, तुम्हारे उद्धार को छीनने की कोशिश करेगा, तुम्हें पाप में गिराने की कोशिश करेगा। जो पवित्रता प्रभु के खून बहाने से तुम्हें मिली है, वो उसे चुराने की कोशिश करेगा। प्रिय भाई बहनों, ऐसा के साथ उसने वैसा ही किया, यूदा इस्करियो के साथ उसने वैसा ही किया। प्रिय भाई बहनों, हमने मौका नहीं देना है कि वो हमारे पास की चीजों को वो चुराए, हमारे पवित्रता को वो चुराए। इसलिए फिर एक बार वो वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 3वां अध्याय में लिखा हुआ है, 11वां वचन में हमने पढ़ा, मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। परमेश्वर ने जो उद्धार दिया थामे रखो, परमेश्वर ने जो शिष्यता का जीवन दिया थामे रखो, परमेश्वर ने एक अच्छी कलीसिया दिया थामे रखो, परमेश्वर ने एक अच्छे दैव प्रभु के सेवक को आपको दिया थामे रखो, प्रभु ने एक अच्छे वचन आपको प्रभु ने दिया थामे रखो, प्रभु आपको एक अच्छे गाइड को प्रभु ने आपको दिया थामे रखो, प्रभु में जो अच्छी काउंसलिंग करने वाले को प्रभु ने आपको दिया थामे रखो, आपके लिए दुआ करने वालों को प्रभु ने आपको दिया थामे रखो। आपने आप कब तक थामे रखना है? देखिए प्रकाशित वाक्य 2वां अध्याय में हमने पढ़ा कि कब तक हमें थामे रखना है, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रखो। प्रभु यीशु मसीह जब तक नहीं आता, तब तक हमें इन चीजों को थामे रखना है। प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप सबसे कहता हूं, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसके आने तक हमें थामे रखना है, उसे हमें खोना नहीं है, क्योंकि खोने के आसार बहुत ज्यादा है। इसलिए मैंने कहा कि 10 चांदी के सिक्के थे, उनमें से वो एक खो चुकी थी। 10 आज्ञाएं प्रभु ने दिया, उनमें से हम कुछ खोरे होंगे। परमेश्वर ने जो हमको प्रेम दिया, उनमें से हम खोरे होंगे। हम जो पहले प्रेम था, वो प्रेम से हम लोग गिर गए होंगे। हम आज फिर एक बार अपने आप को फिर से हमने रिबिल्ड करेंगे कि परमेश्वर के साथ जो कुछ भी प्रभु ने मुझे दे उसे मैं थामे रखूंगा, शैतान के लालच में नहीं पड़ूंगा। क्योंकि जितना ये सोशल मीडिया और इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, कहीं ना कहीं हमको पाप में गिराने के लिए शैतान वो हाजिर हो जाता है। हम कोई चीजों को, अश्लील चीजों को देखना ही नहीं चाहते, लेकिन ऑटोमेटिकली इसको तुम क्लिक करो, इसको तुम क्लिक कर करके डेस्कटॉप में आते रहते हैं। प्रिय भाई बहनों, गिर मत जाना, प्रभु के अंदर स्थिर रहना, पवित्र आत्मा में बलवंत बनना, क्योंकि यीशु शीघ्र आने वाला है, उसके आने तक हमको जो कुछ भी प्रभु ने दिया उसे थामे रखना है। प्रभु इन बातों के द्वारा
आपको आशीषित करे, प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, जितने भी मेरे भाई बहन ये कार्यक्रम को देख रहे प्रभु, जितने भी लोग प्रभु आज शैतान के द्वारा उनके मुकुट चुराए गए होंगे प्रभु, उनके पवित्रता, उनके उद्धार, उनका प्रेम, जो परमेश्वर के पास साथ में जो संबंध था वो संबंध, अपने पासवानों के साथ जो संबंध था वो संबंध शैतान ने चुराया होगा, मैं प्रार्थना करता हूँ फिर एक बार प्रभु सभी भाई बहनों को मौका दो, और प्रभु उन सब जो कुछ भी वो पाए प्रभु वो सबको वो थाम के रखे, जब तक आप नहीं आते तब तक थाम के रखने की कृपा और वो ग्रेस, वो अनुग्रह हम सबको आप प्रदान करें। आपका धन्यवाद करते आपने जो हमको मौका दिया, हम धन्यवाद करते इस चैनल के, हम धन्यवाद करते इस चैनल के प्रभु व्यवस्थापक के लिए, उनको भी आप प्रभु, उनको भी आप प्रभु आशीषित करें, आपके सेवक राय के लिए बहुताय से आप इस्तेमाल करें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।